लेकिन साइकोलॉजी और फिलोसफी में प्रोफेसर भी मुझे देख कर हाथ जोड़ते हैं। साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट था फिलोसफी का, इसको देख कर प्रोफेसर भी हाथ जोड़ते हैं मेरा। और दूसरी चीज कि मैं किसी भी सब्जेक्ट पर गाइड कर सकता हूँ, चाहे वो ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हो, पीजी का स्टूडेंट हो, नेट का हो, वो आईएएस की तैयारी करना चाहता हो, इंजीनियरिंग करना चाहता हो, मेडिकल करना चाहता हो, कुछ भी करना चाहता हो, हर चीज पर मैं उसको गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। वो अगर क्रिकेटर बनना चाहता है उस पर भी मैं उसको गाइड कर सकता हूँ। मतलब दुनिया का वो हर काम जो आदमी करना चाहता है, जिसके बारे में मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं खुद नहीं किया हूँ, लेकिन मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। और वो कैसे बताता हूँ, वो ब्रेन दिमाग की तो है ना, ये रुकने के लिए कहिए बाद में। और एक और चीज बता देता हूँ कि दुनिया में जितने लोग आप लोग जो पढ़ रहे हैं ना, आप पढ़ रहे हैं, उसमें वैज्ञानिक का नाम आता है ना, वो वैज्ञानिक कहाँ से पढ़ा था, आर्किमिडीज कहाँ पढ़ा था, कौन से स्कूल में, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, वो तो नहा रहा था टब में, नीचे से पानी का एथी लगा तो चिल्लाते हुए भागा, भूत भूत भूत। फिर बाद में गया उसमें रिसर्च किया तो देखा कि वो पानी नीचे से दबा हुआ था, अगर ऊपर से किसी वस्तु को, किसी ठोस या किसी ठोस वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से हम डुबाते हैं तो अपने भार के बराबर जल को विस्थापित करते हैं, तो जल का जो भार है वो वो 8-8 घंटा नहाता था अपने बाथरूम में, चला जाता था तो उससे जो मिलने आया वो बैठा रहता था, उसी में नहा रहा लगा रहा है, झाग पड़ गया इधर उधर, उसी में लिखता था, उसी में पढ़ता था, अपने आप सोचता था, अब नहाते हुए वो ऐसे कर रहा है, अब बाहर से कोई देखेगा तो कहेगा क्या देखा है? तो वो तो कहीं ना गया। न्यूटन किसिला में गया था या यूनिवर्सिटी में गया था, वो तो सेब के बगीचे में टहल रहा था और उसके सामने सेब गिर गया, तो देख के सोचने लगा कि अरे सेब नीचे क्यों गिर गया। अब क्या न्यूटन के पहले लोग सेब को पेड़ से नीचे गिरते हुए नहीं देखे थे? लाखों लोग देखे होंगे, लेकिन उस पर ध्यान किसका गया? न्यूटन का गया, और कहा कि नहीं, इसमें जरूर कोई बात है, ये नीचे काहे गिरा, ये ऊपर काहे नहीं गया। तो आप मेरे पास एक सिस्टम है, अगर आप आगे क्या सर? हाँ सर, प्लीज आपको मैं बताना चाहता हूँ। स्टेप आग बंद कीजिए, श्वास लीजिए और छोड़िए, लंबी श्वास लीजिए, लाफिंग नहीं कीजिए, लाफिंग नहीं कीजिए, चलो उठो, नहीं उठो, चलो उठो, तुम बाहर जाओ और तुम भी बाहर जाओ। तो ये बात माना जाए, तो बोले बाहर है पास। एक बार सर मौका दे दीजिए। नो, हमारा चलो। देखो एक बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ मैं बताने के लिए आया हूँ, सिखाने के लिए आया हूँ। मेरा भी टाइम महत्वपूर्ण है और आपका भी टाइम महत्वपूर्ण है। पता है एक समय मैं राजस्थान के हिंद हाई स्कूल में पढ़ाने गया, ठीक है, तो वहाँ के बच्चे बोलते थे ना कि बिहारी सर आ गया है, ठीक है,
राजस्थान मतलब गोरखपुर तक तो बिहारी माना जाता है, उधर दिल्ली के लोग यही समझते हैं कि बिहारी है और बिहारियों से बड़ा लोगों को घृणा होती है। तो जब मैं पढ़ाने गया वहाँ पे तो बोल रहे हैं कि बिहारी सर आया, बिहारी सर आया, मेरा नाम है बिहारी सर। मैं वहाँ के जो प्रिंसिपल थे ना, एक दिन मुझको पीटी क्लास में भेजे, बोले कि सर थोड़ा सा पीटी क्लास देख लेते। मैं बोला ठीक है। और उसमें 1600 बच्चे थे और लंबी लंबी लाइन लगती थी, बहुत बड़ा फील्ड था और स्टेज बना हुआ था जहाँ मैं खड़ा होकर माइक से बच्चों को संबोधित करता था। उसमें दो तीन लड़के बहुत हाइट में हमसे भी थोड़ा लंबे थे और काफ़ी हष्ट पुष्ट थे, गलती किए कम प्रेयर के दौरान। मैं स्टेज पर से उतरा, जाके खींच के और एक तमाचा मारा एकदम गाल, पूरा मेरी थप्पड़ से जो फील्ड था वो गुज उठ और एक को नहीं दो को मारा। उस दिन से सब कहना शुरू कर दिया सुनील से। उसके बाद से एक भी किसी ने बिहारी सर नहीं कहा, तो बता रहा हूं तो एकदम अच्छा से सीखिए, गुस्सा अगर आ गया हमको तो किसी को भी पीट सकते हैं। मैं नहीं देखता हूं कि लड़की है बड़ी है या लड़का है बड़ा है, उससे हमको मतलब नहीं है। ये सीरियस क्लास है, ये आपके जीवन को बदलने के लिए ना बता रहा हूं और मैं किसी तरह का गलती बर्दाश्त नहीं करता हूं। पूछिए, इन लोग को हटा देता हूं, उठा के भगा देता हूं तुरंत। जो बड़े लोग है ना उनको भी उठा के भगा देता हूं। चलिए यहां से। क्या सर? जी सर, जी। तो उस तरह का मोमेंट पैदा नहीं कीजिए। सीखना है तो सीरियस होकर सीखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैं काउंटिंग करूंगा, ठीक है? नाइन तक। तो एक जैसे ही बोलूंगा श्वास को खींचना है छोड़ना है, दो बोलूंगा फिर श्वास को खींचना है छोड़ना है, फिर तीन चार पांच ऐसे करके नाइन तक काउंट करूंगा। उसके बाद जैसे ही नाइन की काउंटिंग खत्म होगी सिर्फ श्वास को देखना है, महसूस करना है कि अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है। अब जैसे ही रिलैक्स महसूस हो तो अपने जीवन के मतलब किसी ऐसी घटना को याद करना है जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं पीछे में। सही है? Yes. क्लियर है ना? Yes. तो चलिए शुरू करते हैं। आगमन कीजिए। एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ। आंख बंद कीजिए। अब आप एकदम रिलैक्स में अपने श्वास को देखिए, अंदर जाते हुए और बाहर निकलते हुए। धीरे धीरे आपका पूरा शरीर रिलैक्स में जा रहा है, आपका पैर रिलैक्स, आपके हाथ रिलैक्स में, शरीर के सभी अंग रिलैक्स में, आपका ब्रेन एकदम रिलैक्स में। अब आप जीवन की ऐसी घटना को याद कीजिए जब आप बहुत ज्यादा खुश थे। कोशिश कीजिए एक ऐसी घटना जब आपको बहुत ज्यादा खुशी मिली थी, बहुत ज्यादा आप खुश थे।
धीरे धीरे अपनी आँख खोलिए और देखते रहिए, वैसे ही बैठे रहिएगा। धीरे धीरे अपनी आँख खोलिए और ऐसे ही बैठे रहिए, रिलैक्स। ऐसी कोई घटना याद आई आपको क्या? एडमिशन जब हुआ तो बहुत ज्यादा तो सीन दिखाई दे रहा है जब आप पहली बार गए थे। चलिए बहुत अच्छा है, बैठे आप। कुछ ऐसी कोई घटना याद आई या देखा क्या? ऐसा क्या मतलब देखिए आप, क्या मतलब? नहीं बोलने देगी क्या छोटे भाई के साथ? अच्छा तो सीन दिखाई दे रहा था अच्छा से जी। आप तो अभी देख रही थी कि कहीं गई थी पापा के साथ घूमने, वो मतलब स्पष्ट दिखाई दे रहा। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपको पापा दादी बहुत अच्छा दिख रहा था, बहुत अच्छा। आपको तो चीज दिखाई दे रहा था, अच्छा सबको क्लियर दिखाई दे रहा था। yes, sir. इस भी घटना को याद थी। yes, sir. Yes, sir. तो अभी कैसा लग रहा है आपको? yes, sir. Yes, sir. मतलब खुशी? yes, sir. Yes, sir. अंदर से खुशी महसूस हो रही है ना? yes, sir. और अच्छा लग रहा है। आप जो भी देख रहे थे स्पष्ट दिखाई दिया। yes, sir. तो जो आप देखे हैं वो झूठ है या गलत है? मतलब झूठ सही है, सही है, सच है। जो अभी आप देखे महसूस किए वो सच है ना? yes, sir. वो गलत नहीं ना है? no. तो इसी तरह से हमें अपने एग्जाम को भी देखना है, समझ में आ रहा है? yes, तो मैं स्टेप लिखवाऊंगा और उसको आप नोट कीजिएगा और इसको पर डे फॉलो करना है। कब तक? जब तक कि एग्जाम नहीं खत्म हो जाता है। रोशन देख लिए हमारे रोशन देख रहे हैं। और पूरा रिजल्ट चाहिए ना, 100% रिजल्ट चाहिए। तो कम से कम जब तक एग्जाम नहीं खत्म हो जाता है तब तक आपको 3 बजे उठ जाना होगा। उठ जाते हैं 3 बजे, तीन बजे जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। 3 बजे उठ जाते हैं, ठीक है? बस 10 दिन की बात है। क्यों जरूरी है? जरूरी क्यों मैं बता रहा हूँ। 3 बजे उठना है तो करना क्या है? ये है सुबह का चमत्कार। क्या है सुबह का चमत्कार? और ये चमत्कार ही बिल्कुल
सबसे पहले उठना है, सबको फ्रेश हो जाना है। फ्रेश होने के बाद 15 मिनट ध्यान करना है। पंद्रह मिनट ध्यान करना। दूसरा स्टेप है, जब आप एकदम रिलैक्स में चले जाए, जब मस्तिष्क एकदम शांत हो जाए, तो उस समय देखना नहीं, पढ़ाई नहीं देखना है, उस समय देखना है कि किस चीज का पेपर है आज, किस चीज का पेपर है। तो सब्जेक्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे पहला दिन किस चीज का है, ज्योग्राफी का, तो अभी मैं प्रैक्टिकली कराऊंगा, ठीक है। तो जिस भी सब्जेक्ट का पेपर होगा उसको देखना है, बैठे हैं घर में ध्यान कर रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं, ठीक है। एग्जाम हॉल में बैठे हैं और हमारे हाथ में टीचर सर आए हैं तो प्रश्न दिए हैं, प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे उसमें फील करना है कि सारा प्रश्न मुझे आता है, ठीक है, मैं सारे प्रश्न को लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, और फिर उसको लिख देती हूँ। वहाँ पे ये भी देखना है उसमें कि सारे प्रश्नों को मैं का उत्तर वहाँ पे लिख दी, और कॉपी अपना जमा करके घर आ गए। अगर इतना आप करते हैं तो इतना करने में 5 से 10 मिनट और लगेगा आपका, ठीक है। 5 से 10 मिनट परीक्षा देते हुए, परीक्षा की पूरी जो स्थिति है ना, सबको घर से जाना, ठीक है। घर से हम गए हैं परीक्षा हॉल में, परीक्षा देकर आए हैं, ये पूरा दृश्य क्या करना है, दृश्य बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, दृश्य बनाना है। 5 से 10 मिनट का विजुअलाइजेशन करना है, विजुअलाइजेशन करना है। इसमें क्या क्या करना है विजुअलाइजेशन में, मतलब घर से परीक्षा हॉल तक जाते हुए, परीक्षा हॉल तक खुद को जाते हुए देखना है, जाते हुए देखना है। दूसरा में आप देखिएगा कि परीक्षा देने के लिए बैठ गए हैं, परीक्षा देने के लिए बैठ गए हैं, ये सब गलती हो सकता है हमसे, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं, ठीक है, मात्रा में गलती हो सकता है। परीक्षा देने के लिए बैठ गए हैं, हाँ, परीक्षा पेपर और कॉपी हमारे हाथ में आ गया, पेपर और कॉपी मेरे हाथ में है। चौथा, कॉपी पर मैं रोल नंबर लिख दिया हूँ, ये सब लिखा हुआ आता है, पेपर प्रश्न पत्र को, प्रश्न पत्र पढ़ रहा हूँ,
प्रॉब्लम है। आए सभी प्रश्नों का उत्तर में सभी प्रश्नों का उत्तर में कॉपी में लिख दिया। परीक्षा देकर ये कितना स्टेप है? छह स्टेप है। अब आपको मैं बताता हूँ, अभी लिखिए नहीं, थोड़ा सा मेरी बात को सुनिए। यहाँ पे अगर आप ये करते हैं तो पता है आपको कितना बड़ा फायदा होने वाला है। एक तो आप देखते हैं ना, परीक्षा के समय में भी बहुत ज्यादा रोड पे एक्सीडेंट होता है, ठीक है? तो आप जिसके साथ भी एग्जाम देने जाएंगे वो भी कुशल रहेगा और आप भी कुशल रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि आप एक दृश्य बनाया है। दृश्य क्या बनाया है? कि मैं परीक्षा हॉल में गई हूँ, वहाँ परीक्षा दी हूँ और परीक्षा दे के घर चली आई हूँ। इसमें कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है? और ना ही किसी तरह का आपका तबीयत खराब होगा, ना कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आप इसको मतलब क्या करते हैं, विजुलाइज कर लेते हैं, तो मतलब आप जो देख रहे हैं ना वही सच है। मैं आपको दिख रहा हूँ तो मैं सच हूँ कि झूठ हूँ? मैं सच हूँ ना। तो जो चीज आप देख रहे हैं और जिस चीज को आपका दिमाग महसूस कर रहा है वही आपके लिए क्या है? सच है। समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? तो ये आपका एग्जाम भी अच्छा करेगा, आप जिसके साथ जाएंगे वो भी सेफ, आप भी सेफ, और कोई परेशानी नहीं आपको। हम समझते हैं कि जाम भी नहीं मिलना चाहिए अगर आप विजुलाइज कर लेते हैं तो एकदम आपका रास्ता क्लियर नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो दृश्य देखना है ना, इसको देखकर और खुशी महसूस करना है, कुछ नहीं सोचना है, बस मैं जो स्टेप बता रहा हूँ ना उसको महसूस करना है। फिल्म देखते हैं ना, फिल्म टीवी पे स्क्रीन पे जो चीज दिखाई देता है उसी तरह ये पूरा दृश्य आपको दिखाई देना चाहिए। अगर पूरा दृश्य दिखाई दे रहा है तो आज का डेट लिख लीजिए, टाइम लिख लीजिए, और जो भी बच्चा अगर इसको 100% फॉलो कर दिया उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा और इसका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। समझ आ रहा है? तो इसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं। नहीं, प्रैक्टिकल कराना जरूरी है ना, प्रैक्टिकल करा देना तभी तो आप कर पाएंगे। करने के लिए तैयार है या कोई परेशानी? किसी को कोई परेशानी?
महसूस कर लेंगे अक्सर एक चीज होता है जमीन पे जी बिल्कुल तो चलिए ज्यादा नहीं 5 मिनट और टाइम दीजिए हमको एक्चुअली मैं ये अपने लिए नहीं ले रहा हूँ और अभी तो आप टेस्ट ही देंगे ना ठीक है लेकिन मेन जो एग्जाम है आपका तो उससे वास्ता पड़ने वाला है ना तो रुक सकते हैं साढ़े 1200 एग्जाम है ये सब चीज बार बार पूरी मिलेगा आपको और ये भी उत्तर प्रदेश से आए हुए आपको बार बार फिर दर्शन देंगे इससे आपको क्या फायदा होने वाला है समझ में आ रहा है फायदा होने वाला है कि नहीं होने वाला है तो जब फायदा होने वाला है तो अभी जो टाइम आपके हाथ में है वही आपका है यहाँ से जाने के बाद टाइम जस्ट मिनट सर जो लोगों को अगर जाना चाहते हैं ना वो निकल रहे क्या कि ये सब चीज बार बार मिलता नहीं है सर हाँ तो एक दो बच्चों के लिए सारे बच्चों को एथी करना क्या है जो जाना चाहते हैं चले जाएं जो रुकना चाहते हैं रुक जाएं कि हम लोगों को टाइम होना चाहिए सर के पास नहीं होना चाहिए जबकि उल्टा यहाँ हो रहा है क्योंकि ज्ञान उनके पास है हम लोग को लेना है तो हम लोग तो क्या एक दिन भूख ही रह जाएंगे तो क्या सर 6-7 तपस्या जिसको जाना होगा वो आराम से पीछे से निकल जाएगा अब क्या है कि ये आपके हेल्थ को भी अच्छा रखेगा आपके एग्जाम को भी अच्छा रखेगा जो लोग आपको ले जाएंगे एग्जाम दिलाने के लिए उनको भी सेफ रखेगा क्योंकि आप जो देख रहे हैं वही आपके साथ होने वाला है आप जो देख रहे हैं वही आपके साथ होने वाला है अभी मैं बताया कि ये जो दुनिया है ये हमारे आसपास की जो भी चीजें हैं वो हमसे शुरू हुई है क्योंकि हम बाहर तो देख रहे हैं चारों तरफ देख रहे हैं घूम के लेकिन खुद को नहीं देख रहे हैं क्योंकि इसका केंद्र तो हम है ना अगर हम चारों ओर घूम के देख रहे हैं तो एक वृत्त बन रहा है और वृत्त के बीच में केंद्र कौन है हम है तो हम क्रिएट कर रहे हैं और हम अपने परीक्षा को भले बिहार बोर्ड मतलब एग्जाम का डेट फाइनल किया है लेकिन हम अपना एग्जाम खुद फाइनल कर रहे हैं यहाँ पे डेट 2 फाइनल किया है रिजल्ट हम अपना खुद फाइनल करेंगे समझ में आ रहा है तो हम जो देख रहे हैं वही सच है और जो महसूस कर रहे हैं वही सच है ये कितना दिखाई दे रहा है 5 ही ना है ज्यादा भी है क्या नहीं कम है नहीं तो ये सच है तो इसको भी अगर हम देख रहे हैं तो वही सच है आप जब स्पष्ट से पूरे शांत मन से आप देखेंगे कि जियोग्राफी का पेपर आया है और एक एक प्रश्न को देखना ठीक है एक एक प्रश्न को देखना है उसको आप देखिएगा और महसूस कीजिए सारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें जानते हो ठीक उसको हम कॉपी में उसका प्रश्न और उत्तर लिख देते हैं और कॉपी जमा कर देते हैं और फिर घर चले आते हैं बस यही क्या करना है विजुअलाइज करना है और इतना कर लेते हैं तो वो जो भी पेपर है हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा लोगों को विश्वास है कि ऐसे करने से हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा कितने बच्चों को विश्वास है हमारा तो विश्वास करके देखेंगे कितने बच्चों को विश्वास है हाथ उठाए चलिए ठीक है देखा देखी नहीं दिल से विश्वास अगर आ रहा है ना जिसको विश्वास हो रहा है वही हाथ उठाए पहले एक उठाता है उसके बाद दूसरा उसके बाद तीसरा कि कहीं मेरी बेइज्जती नहीं हो जाए कहेगा कि यार इसको समझ में नहीं आता है क्या होता है ना तो एक्चुअली में देखिए किसको 5 दिखाई दे रहा है सबको तो जब सबको ये 5 ही दिखाई दे रहा है तो 100% आपका रिजल्ट अच्छा होने वाला है अगर किसी को 2 दिखाई दे रहा होगा तो समस्या है
क्योंकि हम जो देखते हैं महसूस करते हैं। स्टीफन हॉकिंस का मैं एग्जांपल यहाँ पे क्यों दिया, स्टीफन हॉकिंस विकलांग था, वह चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, एक व्हील चेयर पे बैठा हुआ था। और बता कहाँ रहा है, किसके बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, कैसे कैसे बता रहा, ब्रेन की शक्ति से, अपने दिमाग की शक्ति से, तो झूठ बता रहा है। और दुनिया उसको मान लिया कि आइंस्टीन के बाद सबसे बड़ा अगर कोई वैज्ञानिक हुआ इस धरती पे तो वो स्टीफन हॉकिंस है। तो आपको भरोसा नहीं है खुद पर? अच्छा, आपको अपनी आंखों से साफ साफ दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा अपना आंख चेक कर लीजिए आप लोग, डॉक्टर कन जाना है, आंख चेक कर लीजिए। अगर आंख से सही दिखाई दे रहा है तो रिजल्ट आपको जो दिखेगा वही सही है। अगर इसमें कोई देख रहा होगा ना कि नहीं नहीं हम तो फेल हो जाएंगे तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। और जो देख रहा है कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, आप अपने अनकॉन्शियस माइंड में जाकर लॉक कर दीजिएगा 70% तो 70% ही आएगा। लेकिन आप लॉक क्या कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। जिसका जो रिजल्ट आएगा ना, जितना लॉक करेगा उतना ही आएगा। ठीक है सर, पहुंचाइए एक बार, आप ये लॉक करवा दीजिए, उपाय नहीं है, यहाँ पर सब गड़बड़ा जाएगा। लॉक कराइए, रेडी रेडी सर, यस सर, ओके। चलिए फिर से चलते हैं अंतर यात्रा पर। किस पर चलते हैं? अंतर यात्रा, अंतर यात्रा पर। अभी तक तो हम बाहर बाहर यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। सब लोग को अपने अपने एग्जाम सेंटर का पता है, देख चुके तो उस स्कूल पे पहुंच रहा है, ठीक है सबको, और उस हॉल में पहुंच रहा है। और ये फाइनली विजुअलाइज करना है, फाइनली क्या करना है, जितना परीक्षा देना ना, जितना पेपर है सबका विजुअलाइजेशन करना है और अभी करना है, ठीक है। और क्या परीक्षा परीक्षा हॉल के पूरे सिचुएशन को ना आप कंट्रोल करेंगे अपने माइंड से, ठीक है। नहीं का मतलब हुआ ना कि मैं आपको अपने बस में कर लिया, ठीक है, और आपको मैं कह रहा हूँ कि उठो मेरे पीछे आओ, जो चाहोगे वो होगा, तो ऐसा संभव है, है? 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 इसका मतलब हिप्नोटाइज नहीं तो? ये है ब्रेन का पावर, ये ब्रेन जो है दिमाग में, पता है कितनी शक्ति आपको पता है, 100 अरब न्यूरॉन्स है। एक मिनट, आप क्वेश्चन जो भी है पूछिए और जवाब हमें को दे दीजिए, ठीक है। समय अगर सीख रहा है तो समय देना पड़ेगा, नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं है, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। हमारे ब्रेन में 100 अरब न्यूरॉन्स है और हर एक न्यूरॉन्स को दूसरे न्यूरॉन्स से जोड़ने वाले करोड़ों की संख्या में मॉलिक्यूल्स है अंदर में। दुनिया का सबसे जटिल संरचना अगर कोई है तो हमारा ब्रेन है। हमारे बाल से भी पतली इसमें सिराए है, नस, नस को तो मोटा होना चाहिए ना, लेकिन हमारे ब्रेन की जो नसें हैं वो हमारे बाल से भी पतली है, जिसको हम सिरा कहते हैं। और ये देखने में ये 2 पाउंड का है हमारा दिमाग, छोटा सा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में अगर इसको फैलाने का कोई सिस्टम होता कि फैला देते, तो मान लीजिए फैला देते ब्रह्मांड बन जाएगा। हमारा जो ब्रेन है वो छोटा सा है लेकिन वो पूरा ब्रह्मांड बन जाएगा। और ब्रह्मांड में हम जाएंगे तो जिधर जाएंगे उधर ही चले जाएंगे, फिर लौट कर आ नहीं पाएंगे। कोई जाता है वैज्ञानिक चांद पर, मंगल पे, तो वहां से लौट आता है, वो अगर और आगे जाना चाहे तो उधर ही जाकर आ जाएगा, फिर लौट नहीं पाएगा।
ऑक्सीजन ले जाए सारा व्यवस्था करके जाएगा, तो भी आपको पता है ब्रह्मांड कहाँ तक फैला है, किसी को पता है? नहीं पता है। हमारी जो आकाश गंगा है ना, इतने इस तरह की करोड़ों आकाश गंगा है अंतरिक्ष। अभी अभी तक कोई वैज्ञानिक अपनी आकाश गंगा को पार नहीं कर पाया। और दूसरी चीज क्या है कि क्या हमारा जो शरीर है ना, हमारे शरीर में 300 ऐसे जीन्स हैं जो धरती के किसी भी जीव जंतु से मेल नहीं खाते। जैसे लोग कहते हैं ना, वैज्ञानिक को का मानना है कि हमारा जो जन्म है बंदरों से हुआ है, इससे हुआ है, उससे हुआ है, ये चीज हमें मिला है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अभी तक ये रहस्य बना हुआ है कि इस धरती पर मनुष्य आया कहां से, अभी तक रहस्य बना हुआ। लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि धरती पे जो जीवन की उत्पत्ति हुई है ना, वो किसी एस्ट्रॉइड के गिरने से हुई है। धरती पे कोई इस तरह का एस्ट्रॉइड गिरा है जिसने जीवन के निर्माण का वातावरण तैयार किया, नहीं तो उसके पहले ये धरती एकदम सुनसान थी, वीरान थी। एस्ट्रॉइड मतलब जो क्षुद्र ग्रह, ठीक है, कोई आके धरती पे गिरा और यहाँ के पूरे वातावरण को चेंज कर दिया और वहां से जीवन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो ये तो सर्च का विषय है, उधर नहीं जाना चाहेंगे हम, ठीक है। हम मैं जो बता रहा हूँ ना, देखिए ये हिप्टोनिज्म है, मैं आपको पांच दिखा रहा हूँ और आपको पांच दिखाई दे रहा है, तो ये तो सम्मोह नहीं है ना, ये क्या है, व्यवहार है। क्या है? व्यवहार है। ये चमत्कार नहीं है। अगर चमत्कार होगा तो किससे होगा? व्यवहार से होगा। क्या अब कोई दिक्कत है? तो चलिए शुरू करते हैं। अपने अपने सेंटर को देखिए। मेरा तो अपना देखे भी नहीं है अभी, कहां एग्जाम है। क्या मतलब है? चलिए हम आपको छोटा छोटा चीज दिखा रहे हैं। चलिए रुकिए, चलिए आप लोग आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए और रिलैक्स में जाइए। डोंट ब्लॉक, आंख बंद कीजिए, फॉलो द स्टेप, आंख बंद कीजिए और आंख बंद कीजिए। मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए। अपने माँ को याद कीजिए, अपने मम्मी को देखिए, अपने माँ को देखिए। माँ दिख रही है आपकी? Yes, sir. सबको? Yes. माँ को देखकर कैसा लग रहा? चलिए अब अपने पापा को देखिए। आपके पापा दिख रहे हैं आपको? Yes, sir. चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और सेब का एक फल देखते हैं। सेब देखिए, आपके सामने सेब का एक फल दिखाई देगा। आंख बंद कीजिए। सेब दिख रहा है? Yes. सेब दिखाई दे रहा है ना? Yes. चलिए आप अपने सेंटर पे पहुंच गए। स्कूल का नाम देखिए, स्कूल का जो नाम है वो अपने अपने मन में उसको दोहराइए। स्कूल का जहां आपका परीक्षा पड़ा हुआ है, जहां सेंटर गया है। कोई भवन दिखाई दे रहा है? अब वहां आप स्कूल में एंट्री कर गए हैं। परीक्षा हॉल में बैठ गए हैं अपने सीट पर। इसको महसूस कीजिए, आप अभी
परीक्षा हॉल में है, अपने सीट पर बैठे हुए, आपको एक सर आते हैं और हाथ में कॉपी देते हैं, प्रश्न पत्र देते हैं। इसको महसूस कीजिए, देखिए आपके हाथों में प्रश्न पत्र मिल गया, उसको देखकर खुशी महसूस कीजिए। उसमें धुंधले अक्षरों में प्रश्न लिखा हुआ है, आप उन सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। देखिए आप उन सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं, आपको अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रहा है। आप सभी प्रश्नों का उत्तर एक एक करके अपने कॉपी में लिखकर, अब आप प्रश्नों का उत्तर लिखना शुरू कर दिए। आप लिख रहे हैं, एक एक प्रश्न का उत्तर आप लिखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी प्रश्नों का उत्तर लिख दिए, हम आप कॉपी जमा करके अपने घर आ गए। इस तरह आप अपनी पूरी परीक्षा दे चुके हैं और सारे प्रश्नों का उत्तर आप लिख कर आए। आपकी परीक्षा खत्म हो चुकी है और आप सभी का रिजल्ट आ गया और आप बहुत खुश है। खुश इसलिए है कि आपको आपका मनचाहा रिजल्ट मिला है। आपका रिजल्ट आपके हाथों में, आप मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हैं। जैसे आमतौर पर हम लोग रिजल्ट देखते हैं, आपका रिजल्ट आपके सामने है। यहां आपको देखना है कि आप कितने परसेंटेज से पास हुए हैं। देखिए रिजल्ट आपके सामने है, उसमें आप अच्छे नंबर से पास कर चुके हैं। अपना परसेंटेज देखिए, कौन कितने परसेंटेज से पास हुआ है। आप बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और ऐसे ही बैठे रहिए। अब हाथ को हटाइए, थोड़ा रिलैक्स मोड में बैठ जाइए।
कितने लोग इसमें से कितने बच्चे अच्छा से विजुलाइज किया इधर से और इधर से, एक एक बच्चे खड़े होंगे जो अच्छा से विजुलाइज किया बताइए, जिनको पूरा दृश्य दिखाई दिया, दिखाई दिया क्या क्या दिखाई दिया? मजा आ गया यार नींद में। और इसके बाद हम तो पूरा कॉलेज के अंदर के सीन देखे हैं। फर्स्ट टाइम बाप बैठ जाइए। अब इसमें से आपको क्या नहीं दिखाई दिया? क्या दिखाई दिया? गुड, बहुत बढ़िया। और इसमें इधर आप लोग को सर हम पोखरी में नहा रहे हैं। आयो यस जी आयो हम 99% लाए। बहुत बढ़िया, ये जो आप देख रहे हैं ना ये सच है। अभी आप जो देख रहे हैं क्या है वो सच है? ये सच है कि झूठ है? पांच दिखाई दे रहा है ना? yes, तो इसी तरह वो भी सच है जो आप देखे। एक तरफ से सपना के कितना परसेंटेज पर लॉक किए हैं हम? मत 99 वही होने वाला है। आप देखे हम तो देखे हैं सर बिल्कुल। तो आप कुछ अफर्मेशन लिखवा रहे हैं ठीक है? जैसे आप विजुअलाइजेशन कीजिएगा तो विजुअलाइजेशन करने के बाद एक और काम करना है। क्या करना है नोट कीजिए। ठीक है, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सफल हूँ, मैं आप देख लीजिएगा ठीक है क्या लिखा मैं, या इसमें टाइम भी ले सकते हैं ठीक है, मैं खाली जगह छोड़ा दे रहा हूँ, मैं डैश दे दीजिए बीच में, खाली जगह छोड़ दीजिए। इतने नंबर से परीक्षा फेल कर गया, उत्तीर्ण कर चुकी हूँ या पास कर गई हूँ या पास कर गया। हाँ नंबर आप खुद देख लीजिएगा कितना देना है नहीं देना है। जो है ना ठीक है, इस यहाँ मतलब मजाक की बात नहीं है। एक तो आप अपना कैपेसिटी देख लीजिए ठीक है क्या है, और उसी हिसाब से आप कुछ भी कीजिएगा, और उस पर अगर आपको विश्वास है, पूरा विश्वास है आपको, तो रिजल्ट वैसा ही होने वाला, एकदम कंफर्म, एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं, एकदम क्लियर दिखाई देना चाहिए। अगर 81 दिखाई दे रहा है तो 81 दिखाई देना चाहिए, 81%। और पूरा परीक्षा का जो पेपर होता है ना रिजल्ट, क्या उसको बोलते हैं रिजल्ट, उसको हाथ में लेकर देखिए, उसको हाथ में लेकर देखिए कि सच में मेरा जियोग्राफी में इतना दुदले में दिखाई देगा ठीक है, और नीचे बस उसमें देखिए कि 81% पूरा क्यों नहीं दिखाई देता है, बस उस चीज को देखिए, सब दिखाई देगा, सब धुंधला रहेगा
लेकिन जो परसेंटेज वाला जगह रहेगा ना वहाँ क्लियर रहेगा 81%। तो जितना आपको परसेंट पाना है उतना आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए, कैसा लगा आप लोग को? बहुत अच्छा लगा सर। तो थोड़ा सा और एक मिनट के लिए ध्यान करते हैं, ठीक है? ओके सर। बस बस चलिए, आप मन कीजिए। ठीक से बैठे, ठीक से लूज हो के अपने परिचय से शुरू करता हूँ। मेरा नाम सुनील मनस्वी हुआ और यूपी के देवरिया डिस्ट्रिक्ट का मैं रहने वाला हूँ। देवरिया में सरयू नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है नदौली। उस गांव में मैं जिस कास्ट से आता हूँ बस एक ही परिवार है उस गांव में। वो गांव बहुत बड़ा गांव है और बहुत छोटा परिवार है। एक मेरे माता पिता हैं, मेरी दादी थी, पापा मेरे जॉब करते थे बाहर झुमरी तिलैया, कोडरमा का नाम सुने होंगे आप, झुमरी तिलैया का। तो मैं बहुत छोटा था और परिवार एक ही था और जातिवाद बहुत ज़्यादा है समाज में। तो एक मेरी दादी थी, माँ थी और मैं छोटा बच्चा था। तो आसपास के लोग बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे हमारे परिवार के लोगों को, ठीक है, झगड़ा करना या जमीन वमीन हड़प लेना। बहुत ज़्यादा जमीन भी था जो चाहते थे लोग कि मतलब हड़प लें हम, ठीक है। तो ये सब मैं देखता था, मैं छोटा था, कुछ कर नहीं पाता था। तो एक चीज़ मेरे दिमाग में मतलब उस समय आता था कि अगर मेरे पास पावर हो, शक्ति हो, तो मैं इन लोगों से निपट सकूँ। अभी मैं लड़ने जाऊंगा तो कोई भी मुझे मार देगा, तो मैं लड़ सकता नहीं हूँ इन लोगों से। तो फिर मेरे पास कुछ ऐसा पावर होना चाहिए, कुछ ऐसी शक्ति होनी चाहिए जिससे मैं इन लोगों को कंट्रोल कर सकूं। और ये सोच जब मेरे मन में आई तो मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। और पूजा करता था मतलब व्रत करता था, ठीक है। कभी मतलब बृहस्पतिवार को व्रत शुरू किया, कुछ दिन बृहस्पति को किया, कुछ दिन शुक्रवार को किया, ठीक है, कुछ दिन शनिवार को किया। हर दिन को मैं व्रत किया लेकिन उससे हमको कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नज़र नहीं आया। मैं पूजा भी खूब मन लगा के करता था, उससे भी कुछ समझ में नहीं आया। मुझे क्या चाहिए था? शक्ति चाहिए था। कैसी शक्ति? मैं परिस्थितियों को कंट्रोल कर सकूं और लोगों को कंट्रोल कर सकूं, इस तरह का पावर मुझे चाहिए था। और इस ये मुझे स्कूल से मिलता नहीं और कोई टीचर सिखाता नहीं। तो धीरे धीरे मेरी ये इच्छा प्रबल होती गई और पढ़ाई में मेरा रुचि रहता नहीं था। बहुत कोशिश करने के बाद अब परिवार का जो दबाव मिला तो उस दबाव में मैं हाई स्कूल किया, ठीक है। बस एक साल हाई स्कूल में ही अच्छा से मैं पढ़ा, नाइन्थ तक मैं बहुत अच्छा से नहीं पढ़ा। और जब मैं इंटर में गया तो इंटर में मेरा एडमिशन हो गया साइंस से, और मैं एक दिन क्लास नहीं किया और ना ही किसी कोचिंग को ज्वाइन किया। पूरा दो साल मेरा ऐसे ही निकल गया, मतलब 3 महीना बचा था और मुझे इंटर का एग्जाम देना था। मैं क्या करता, समझ में नहीं आ रहा था। फिजिक्स के 2 मोटे मोटे बुक, केमिस्ट्री के इतने मोटे मोटे बुक, मैथ के 6 बुक, बड़ी समस्या थी। मैं क्या करता, मैं एक जो सीनियर स्टूडेंट थे उनके पास गया और उनसे पूछा कि कुछ गाइड कीजिए हमें ताकि मैं एग्ज़ाम निकाल सकूं। तो बोले कि एक तरीका है, अगर उतना मेहनत कर सकते हो तो करो। मैं पूछा तो बताए कि अनसॉल्व्ड जो पेपर होता है ना उसको 10 साल का रिकॉर्ड निकाल, और 10 साल का जो अनसॉल्व्ड पेपर है आप लोग भी मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, मैं भी कर देता हूँ। हाँ, मीटिंग में आधा घंटा फोन करता है, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, ठीक है सर। तो मैं क्या किया उस समय, 10 साल का अनसॉल्व पेपर लेके आया, ठीक है। 3 महीना मात्र मेरा इंटर का एग्जाम बचा हुआ था।
और मैं क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया, मैं सिलेबस पढ़ना नहीं शुरू किया, मैं क्वेश्चन को पढ़ा और क्वेश्चन को हर पेपर से 150 क्वेश्चन को गेस किया स्वतः सेल्फ बिना किसी टीचर के सहायता के। और 150 क्वेश्चन से भी 150 क्वेश्चन तो आएगा ना एक पेपर में, तो उसमें से भी कुछ खास क्वेश्चन को मैं गेस किया और उसी को मैं तैयार कर लिया। उसमें न्यूमेरिकल भी था, बड़े क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव भी थे सारे, और तैयार करके मैं जब एग्ज़ाम देने गया तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैं जो गेस किया था ना सेम लड़ रहा था, मैच कर रहा था, 80% मेरा क्वेश्चन खुद का गेस किया हुआ मैच कर गया और मैं इंटर अच्छे फर्स्ट डिवीजन से क्वालिफाई कर गया। मैं तो पास भी होने वाला नहीं था, कैसे पास होता है। उसके बाद मैं 2-3 साल पहले कोचिंग पढ़ाना बंद कर दिया। मैं हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहा था तो साइंस का पेपर गेस किया मैं 100 में 100%, मतलब जितना क्वेश्चन गेस किया था ना उतना ही बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया, ये कैसे हो सकता है ना। तो ये तो हो गई पढ़ाई की बातें। अब वो लोग जो हमको प्रताड़ित करते थे उनको मैं कंट्रोल करना चाहता था और उसके लिए मुझे क्या चाहिए था, पावर, शक्ति चाहिए थे। और इंटर के बाद मैं पढ़ाई छोड़ दिया क्योंकि पढ़ाई में मेरा मन लग नहीं रहा था। मैं जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था मैं, और ग्रेजुएशन में मेरा सब्जेक्ट था फिलॉसफी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री। जब मैं क्वेश्चन करता था तो प्रोफेसर लोग हमको सेटिस्फाइड नहीं करते थे, इस वजह से मैं ग्रेजुएशन को आगे नहीं बढ़ाया और ड्रॉप कर दिया। उसके बाद मैं अपना वस्त्र, कपड़ा जो पहनता था, कपड़ा, अन्न, ये सब त्याग कर दिया मैं और सिर्फ एक धोती पहनकर मैं निकल गया घर से। क्योंकि मुझे पावर चाहिए था, ये मेरा उस समय का फोटो, धोती पहना हूँ ना। जी जी बिल्कुल, देख रहे हैं ना। उसके बाद मैं किया ध्यान, देख रहे हैं, लंबे समय तक इस स्थिति में आप सिर्फ एक ही व्यक्ति का फोटो देख सकते हैं, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है कि उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा और किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है नहीं, उन्हीं के बारे में कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और वो ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था उनको, पीपल के। एक्चुअली में उसका नाम बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष। तो ये चीज देखिए, और मैं महात्मा बुद्ध के जितने भी स्थल हैं, उनका जन्म स्थल, उनका निवारण स्थल, उनका जो जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, सबको मैं विजिट किया। मैं नेपाल भी गया और जहाँ जहाँ ध्यान किए थे मैं भी वहाँ वहाँ ध्यान किया। एक लंबी यात्रा से गुजरा। तो जब ध्यान किया तो मेरे साथ ऑटोमेटिक मेरा आत्मिक विकास होने लगा और 2011 में ही लोग मुझे भगवान का दर्जा देना शुरू कर दिए थे, लेकिन मैं उसको खारिज किया। मैं इस तरह का कोई प्रोपगेंडा नहीं फैलाना चाहता था और ये सब हुआ इसलिए कि मैं जो कहता था वही होता। अगर मैं बोल दूं कि जाओ, मैं तो कोई इसका छोटा सा एग्जाम्पल भी आपको दिखा देता हूँ। जहाँ डोगरा में ना, कहीं आप लोग दूर के हैं नहीं, डोगरा में बगल में एक लड़का था जिसको खड़ा होने भी नहीं आता था। वो हमारे पास आया और बहुत गरीब था, एल्बेस्टर का एक रूम था उसका, और बोलता था गुरुजी कुछ भी कर कैसा कीजिए कि मेरा जॉब हो जाए। ठीक है, तो उसको तो मैं बहुत अच्छा सिखाया भी, बताया भी, बहुत अच्छा से रहने लगा था। तो एक दिन आया मेरे पास, बोल रहा है कि दानापुर हमको दौड़ने जाना है, और उसके पहले वो कभी प्रैक्टिस नहीं किया था दौड़ने का।
तो मुझे भी काफी मतलब दया आ गई उस पर, मेरा आंख भर आया, ठीक है, आंख से मतलब आंसू गिर गए मेरे, और पैर जब छुआ मेरा तो हम बोले जाओ बेटा आज तुम्हारा मतलब फाइनल हो जाएगा, ठीक है, मतलब दौड़ कंप्लीट हो जाएगा, जॉब भी हो जाएगा तुम्हारा। गया दौड़ने, फर्स्ट बार में ही दौड़ को कंप्लीट कर लिया और आज वो आर्मी क्लर्क में जॉब कर रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैं इधर गाइड कर रहा हूँ और जिस चीज़ के लिए भी मैं जिसको गाइड करता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, उसका रिजल्ट 100% आना ही आना है। तो ये सब शक्तियाँ प्राप्त हुई मुझे और मैं ये जान सका कि किसी भी परिस्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है और उसे क्रिएट भी किया जा सकता है और हर आदमी करता है, इसमें कोई चमत्कार नहीं है, बस आदमी को समझ में नहीं आता। आखिर आप लोग एग्जाम देने जाइएगा ना, तो ये परिस्थिति कौन क्रिएट कर रहा है? आप कर रहे हैं ना। अगर आप इंटरमीडिएट एडमिशन नहीं लेते हैं, तैयारी नहीं करते हैं, तो एग्जाम देने नहीं जाते हैं। तो ये जो परिस्थिति बन रही है एग्जाम की, उसको आप सब लोगों ने मिलकर क्रिएट किया है। तो ये फैसला आपका है ना। तो जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो रिजल्ट भी हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब हम एग्जाम देने जा रहे हैं कि नहीं, तो रिजल्ट भी हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, हमारे अनुरूप होना चाहिए, तो उसको भी क्रिएट करेंगे। और जानते हैं जब ये सब चीजें मुझे प्राप्त हो गया तो मेरे डर से कोई कुछ बोलता नहीं, क्या आप भी देखते हैं मेरे सामने कोई बोलने का हिम्मत भी नहीं करता है। यहाँ भी जा मेरा सेंटर, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, 25-25 लोग आए थे हम पर अटैक करने के लिए, कैसे रह सकते, अब मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। और ऐसा एक दफा नहीं, कई बार हुआ, मेरे सामने आते ही वो भूल जाते हैं कि करना क्या है। तो ये किसका पावर है? ये ब्रेन का पावर है और इसको डेवलप किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई स्पेशल ब्रेन, ये हमारे बिहार की एक बहुत बड़ी खोज है, क्या है, मेडिटेशन। लेकिन भारत के लोग ही इसको भूल गए, नहीं जानते। और आज अमेरिका, भारत में इसको ध्यान कहा जाता है, लेकिन अमेरिका इसको अंग्रेजी में प्रेजेंट करना शुरू किया मेडिटेशन, तो दुनिया जानने लगा। और हम अपने ही संस्कृति, अपने ही कल्चर, अपने ही ज्ञान को भूल गए। तो ये सब कैसे संभव है, यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा स्पेस लेके आप लोग बैठ जाइए, एक बेंच पे कम से कम 3 ही लोग हों, थोड़ा सा स्पेस लीजिए, दूरी सट के नहीं बैठना है, या दो लोग हों तो और ज्यादा अच्छा होगा। नहीं बैठे रहिए, पहला स्टेप में हम लोग सीखेंगे श्वास। तो सभी लोग ले रहे हैं ना, ऐसा भी है कि कोई श्वास नहीं ले रहा है, सब लोग ले रहे हैं। तो ये श्वासों से ही शुरू होता है और हम सबसे पहले रिलैक्स होकर पैर को सीधा रखें, रिलैक्स होके 9 बार श्वास को लेते हैं अंदर और फिर छोड़ते हैं, ठीक है, जो हो रहा है बस उसी को करना है, महसूस करना है। तो इसके लिए सारे लोग तैयार है ना, तो एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाइए और हाथ को ऐसे पैर पर रखिए, एक चेयर लेके आइएगा, हम उस बच्चे को भी बुला लेते उधर, अरे आ जाओ भाई, करवा दीजिए निशु, निशा आ जाओ, यहाँ से सबको दिखेगा, ऐसे बैठ जाना है और संभव हो तो पैर को ऐसे कर लीजिए।
को ऐसे खुला रखना है और ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, रीढ़ सीधा होना चाहिए। और आंख बंद कीजिए सारे लोग, और श्वास को 9 बार लंबा खींचना है और छोड़ना है। श्वास को लंबा खींचिए और छोड़िए। अब आंख खोलिए, ईमानदारी से बताइएगा ठीक है। जो लोग 9 बार सांस को अंदर खींचे हैं और बाहर छोड़े हैं, कौन कौन है बच्चे इसमें? तो कई सारे बच्चे नहीं किए, किया? खड़ा हो जाइए। कैसा लग रहा है आपको? रिलैक्स। मतलब कैसा फील हुआ? मतलब शांति महसूस हो रहा, अंदर से खुशी का एहसास आ रहा था, और शांति लग रहा था। तो हमारे ब्रेन की जो ताकत है वो क्या है? शांति है। हमारे मस्तिष्क की ताकत क्या है? शांति है। हमको अपने दिमाग से काम लेना है और इसका बेहतर उपयोग करना है तो सबसे पहले इसको शांति में ले जाना होगा, अगर हम कुछ करना चाहते हैं। और नहीं करना चाहते हैं तो बाकी जैसे आप जी रहे हैं वैसे जी सकते हैं। और आप लोग प्लीज हंसी मत, प्रॉब्लम क्या हो रहा है? श्वास अगर नहीं चलेगा तो हम जिंदा रह पाएंगे? अगर श्वास हम ले रहे तभी तो जीवित हैं, और उसी पे हमको क्या करना है? ध्यान करना, उसको महसूस करना है जो श्वास हमारे अंदर जा रही है। अभी तक हमने कभी महसूस किया इसको? हमारे जीवन को लीड करने वाली 3 चीजें हैं। मार्कर है यहाँ पे? ले वो। तो श्वास को ही महसूस करना, ये तो कितनी अच्छी बात है अगर आप इसको महसूस कर पाते हैं। ठीक है, अभी सीखना है। अभी जो लोग सीख जाएंगे उनका जीवन बहुत अच्छा होने वाला है और उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होने वाला है। और जो नहीं सीख पाएंगे, हंस मतलब अभी आपको हंसी आ रही है तो कल आप पर लोग हंसेंगे। हमारे जीवन को 3 चीजें चला रही है। पहला श्वास, दूसरा सोच, तीसरा शब्द। और ब्रह्मांड को तीन चीजें चला रहे हैं। पहला अंधकार,
ये जो सोच है ना, इसको हम यहाँ पे चेतना कह सकते हैं। साधारण भाषा में मतलब साधारण शब्द में सोच ठीक है, लेकिन मेनली क्या है, चेतना। किन चीजें चला रही है, किसको, हमारे जीवन को और ब्रह्मांड को, कितनी चीजें चला रही है, कौन कौन से है। तो ये जो श्वास है इसको हम अंधकार मान लेते हैं, और जो चेतना है प्रकाश, और जो शब्द है ध्वनि, राइट। समझ में आ रहा है, इसमें किसी को कोई डाउट हो रहा है? ये तीन ही चीजें हैं जो ब्रह्मांड को भी चला रही हैं और हमारे जीवन को भी। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वो बिग बैंग की थ्योरी, सर आप लोग तो जानते ही होंगे, बिग बैंग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। और बिग बैंग का मतलब है महाविस्फोट, बहुत बड़ा विस्फोट। तो विस्फोट में तीन चीजें निकली ठीक है, जो फैला चारों तरफ, प्रकाश, अंधकार और ध्वनि, और एक ही सेकेंड में ब्रह्मांड की रचना हो गई। एक सेकेंड में हमारे दिमाग के अंदर 1,00,000 केमिकल रिएक्शन होता है। एक सेकेंड में हमारे दिमाग के अंदर कितना केमिकल रिएक्शन होता है, 1,00,000 केमिकल रिएक्शन होता है। और अगर वह सही है, अगर हमारा ब्रेन सही केमिकल रिएक्शन दे रहा है तो कुछ भी कर सकता है। तो जो भी परिस्थिति बनती है या हमारे जीवन में जो भी स्थिति आती है वो सब हमारे ब्रेन की उपज है। वो कहां से उपजी है, दिमाग। हमारे ब्रेन से, हमारे दिमाग से उपजी है। तो उसी को तो जानना है, और उसको मतलब ये इतना आसान नहीं है कि एक दिन में हम समझ जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आपको मतलब 1 घंटा में बताने की, 1 घंटा से थोड़ा एबव भी हो सकता है तो चलेगा ना। yes, इसके लिए तैयार है ना। yes, क्योंकि इतना मतलब आसान नहीं है। जिसको पाने के लिए बुद्ध को 7 साल तपस्या करना पड़ा, जिसको जानने के लिए हमें अपना 6 साल जीवन कुर्बान करना पड़ा। मैं चप्पल तक नहीं पहनता था, ठंड हो गर्मी हो बरसात हो सिर्फ एक धोती ओढ़ के बस ऐसे रहता था, चाहे कितना भी ठंड पड़े, मैं खाना नहीं खाता था। समझिए, तो सेम बुद्ध ने जिस प्रोसेस को फॉलो किया उसी को मैं भी करता चला गया। ये ज्ञान मुझे ऐसे स्कूल से नहीं मिला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन, आप 6 साल तक खाना नहीं खाए? नहीं, पानी भी नहीं पिए? पानी पीते थे, पानी लेते थे, पानी तो लेना ही होगा ना। तो सर सिर्फ मतलब पानी से पानी लेते थे, ये जो दाल चावल रोटी सब्जी है ना ये सब बनता। फ्रूट खाते होंगे तो? हाँ, फ्रूट का भी फ्रूट लेते थे, लेकिन वो भी उतना मैं नहीं ले पाता था। मेरा शरीर उसमें दिखाई दे रहा है ना, कितना पतला दुबला हूँ, तो ओढ़ा हूँ तो मतलब ऐसे दिख रहा है। तो लोग ले आते थे ठीक है, और मैं बांट देता था, जो बचता था मैं वो ग्रहण कर लेता था। जैसे कोई अब यहाँ 10 आदमी बैठा है, कोई आया उसे मिलने तो 1 किलो सेब लेते हैं ठीक है, तो मैं सबको एथी करवा देता था, मतलब क्या कटवा देता था और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देता था, जो बचता था खा लेता था, कभी कभी नहीं भी खा पाता था, तो ऐसे ही चल रहा था। एक्चुअली में ना भूख उतना हमको लगता था और ना ही बॉडी में एनर्जी की कमी होती थी, बेशक शरीर पतला दुबला था। तो ये चीजें मैं अपने अनुभव में देखा कि सृष्टि को चलाने वाली तीन ही चीजें हैं, प्रकाश, अंधकार और ध्वनि। और अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान भी मानता है कि पूरे यूनिवर्स में 90% जो हिस्सा है ब्रह्मांड का वो क्या है, अंधकार अंधकार है।
और 10% ही प्रकाश। क्लियर। और इसको समझा नहीं जा सकता, इसको देखा नहीं जा सकता। अंधकार जो है उसमें कुछ दिखाई देगा? नहीं। कुछ नहीं दिखाई देगा, इसीलिए वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आ रहा है। यूनिवर्स की बहुत सारे जो रहस्य है वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो रहस्य है वो कहाँ है? यहाँ है। और यहाँ जाने का देखने का तो कोई उपाय ही नहीं है। कोई उपाय है? हम तो जो करना है, जितना उछलना कूदना है, इधर ही करेंगे, प्रकाश में। अंधकार में उछलेंगे कूदेंगे? तो ये जो हिस्सा है यही हमारे अनकॉन्शियस माइंड का भी हिस्सा है, जिसके बारे में कल बात कर रहा था। तो जिसको हम देख नहीं सकते हैं उसको महसूस कर सकते हैं। नोट कीजिएगा इस पॉइंट को, ठीक। जिसको हम देख नहीं सकते हैं उसको क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। और आप लोग स्टीफन हॉकिंग्स का तो नाम सुने होंगे। स्टीफन हॉकिंग्स को मोर्टल डिजीज नाम की बीमारी थी। उसमें क्या होता था कि मांसपेशियां काम करना बंद कर देती थी और वो बेहोश होकर गिर जाता था। तो इस बीमारी का पता चला था जब वो 21 साल का था, और डॉक्टरों ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि तुम्हारी जिंदगी और 2 साल की है। डॉक्टरों ने क्या कह दिया कि अब तुम्हारी जिंदगी 2 साल की है, तो उसके बाद तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। स्टीफन हॉकिंग्स कहा कि नहीं, मुझे मरना नहीं है, मुझे तो अभी जीना है और कुछ करके दिखाना है। ये कौन सोचा? स्टीफन हॉकिंग्स, कि मुझे अभी मरना नहीं है, अभी मुझे जीना है और कुछ करके दिखाना है। तो डॉक्टरों ने जिसको बोल दिया था कि तुम 23 साल आवाज मत करो विजय सर, आवाज मत होने दीजिए। डॉक्टरों ने जिसको कह दिया था कि तुम 23 साल की उम्र में मर जाओगे, 21 साल में तो जांच ही हुआ, 21 साल की उम्र में बीमारी का पता चला और 23 साल की उम्र में घोषणा कर दिया डॉक्टर कि तुम मर जाओगे। और वह स्टीफन हॉकिंग्स जिया कितना? 67 साल। ये चमत्कार है, ये चमत्कार नहीं है। एक्चुअली में जब स्टीफन हॉकिंग सुना कि मैं मर जाऊंगा, तो वो बोला कि नहीं, मुझे अभी मरना नहीं है, मुझे अभी जीना। और वो जीने लगा। धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ती गई, उसका पैर पैरालाइज हुआ, पूरा बॉडी पैरालाइज हो गया, यहां तक कि ये सब जो था ना, ये सब पैरालाइज हो गया। सिर्फ एक ही चीज काम कर रहा था, ब्रेन। तो उसको एक कंप्यूटर युक्त व्हील चेयर पे बैठाया गया, और वो विकलांग वैज्ञानिक, ठीक है, विकलांग ही ना कहेंगे, विकलांग वैज्ञानिक आइंस्टीन के बाद दुनिया का दूसरा महान वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है, आइंस्टीन के बाद। तो ऐसा क्या कर दिया, वो तो विकलांग था, उसको तो उतनी भयंकर बीमारी अपने गिरफ्त में ले ली थी कि वह खड़ा भी नहीं हो सकता था, चल भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था। तो उसने ऐसा क्या कर दिया, उसने जीन बैंक की जो थ्योरी थी उसको और आगे बढ़ाया, उसमें कई सारे नई चीजों को ऐड किया, और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में बताया, और टाइम की थ्योरी के बारे में बताया। तो ब्रह्मांड के रहस्य को कैसे बता रहा, वो तो व्हील चेयर पे था और विकलांग था, तो ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में वो कैसे बता रहा था? बिल्कुल, वह अपने अनकॉन्शियस माइंड से बता रहा था, वह उसको देख रहा था, व्हील चेयर पे बैठे बैठे देख रहा था ब्रह्मांड के रहस्यों को, और उस पर जो चिंतन करता था, तो उसके जो मतलब दिमाग से जो तरंगे निकलती थी, हमारे दिमाग में 5 तरह की तरंगे उठती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा, थीटा और गामा।
पांच तरह के तरंग उठते हैं हमारे मस्तिष्क में, तो ये तरंगे उठती थी तो कंप्यूटर उसको रीड करता था और उसी के आधार पे वो सेंटेंस तैयार करता था कि क्या सोच रहा है। देखने में कितना आश्चर्यजनक लग रहा है नहीं? उसके मस्तिष्क में जो तरंग उठती थी उसको कौन कैच करता था? कंप्यूटर। और उस पर वो लिखता था जो वो सोचता था और उसको एक बुक का शक्ल दे दिया। तो जब वो विकलांग व्यक्ति ऐसा कर सकता है, इतना मतलब आश्चर्यजनक काम कर सकता है, तो हम लोग तो कितना अच्छे है नहीं है? हम लोग उसकी अपेक्षा बहुत अच्छा है ना? तो हम क्या नहीं कर सकते? लेकिन करने के लिए कुछ भी, अगर बड़ा करने के लिए एक चीज चाहिए और वो है ध्यान। क्या है ध्यान? ये कितना जरूरी है आप इसी से समझ लीजिए कि आपके घर में आपके माता पिता भी जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो ये जरूर कहते हैं कि बेटा ध्यान से जाना, ठीक से रहना। तो एक कहने के पीछे क्या उद्देश्य? ध्यान है। मतलब हर जगह ध्यान से लिखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो। मतलब हमारी जितनी भी एक्टिविटी है, हमारा उठना बैठना चलना लिखना पढ़ना बोलना, सब क्या है? ध्यान है। हमारा जीवन ही क्या है? ध्यान है। ध्यान के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। अगर घर में आपकी माँ खाना बना रही है और नमक डालते समय ध्यान भटक गया तो क्या होगा? नमक ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अच्छा तो नहीं होगा ना। और अगर मतलब उसको क्या बोलते हैं, फ्राई करते समय ध्यान भटक गया तो क्या होगा? जल जाएगा। दूध रख दिए हैं गर्म होने के लिए, ध्यान भटक जाएगा तो क्या होगा? और हम रोड कर रहे हैं और ध्यान भटक जाएगा तो क्या होगा? और अगर परीक्षा देते समय हमारा ध्यान विचलित होगा, फेल हो जाएगा। मतलब ध्यान के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। तो इसको सीखना कितना जरूरी है आप ही बताइए। जरूरी है ना? एक्चुअली में अगर आदमी इसको जान ले सीख ले तो किसी के साथ उसका कोई झगड़ा नहीं हो सकता है, कोई विवाद नहीं हो सकता है, कोई उपद्रव नहीं खड़ा होगा, वो सबको कंट्रोल कर सकता है। और एक बहुत खास बात बताने जा रहा हूँ, खास बात ये है कि आप हैं कौन, ठीक है, और आपका पावर क्या है। आपको लगता है कि बस एक दुबला पतला हाड़ बांध से बना हम एक इंसान है, ठीक है, और आप अपने को एक जाति के दायरे में देखते हैं, आप अपने को धर्म के दायरे में देखते हैं, यही है ना? आपका एक नाम रख दिया गया है, उस नाम को देखते हैं, लेकिन आप एक चीज को नहीं देखते, और आप ही नहीं, दुनिया के ज्यादातर लोग इस चीज को नहीं देखते, जीवन को नहीं देखते। आप अपने को जीवन के रूप में नहीं देखते, आप अपने को जाति के रूप में देखते हैं, नाम के रूप में देखते हैं, धर्म के रूप में देखते हैं, बट जीवन के रूप में नहीं देखते हैं। और यहीं से आप कमजोर हैं। जिस दिन से आप अपने को जीवन के रूप में देखना शुरू कर देंगे, तब आपको अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का एहसास होगा कि हमारे पास शक्ति कितनी है और हमारे पास ताकत क्या है। तो मैं अपने को नाम के रूप में नहीं देखा, अपने को जाति के रूप में नहीं देखा, अपने को धर्म के रूप में नहीं देखा, मैं देखा अपने को जीवन के रूप में। मैं जीवन, मैं क्या हूँ? मैं जीवन। तो जीवन की सारी शक्ति हो,
महसूस करने लगा मैं, और ये प्रकट होने लगी मेरे व्यवहार में, मेरे विचार में। जीवन क्या है? जीवन अनुभूति और अभिव्यक्ति की एक प्रक्रिया। लाइफ इज अ प्रोसेस ऑफ फीलिंग एंड एक्सप्रेशन। ये जब तक चलता रहेगा लाइफ है, और जैसे ये बंद होगा लाइफ खत्म। दो ही चीज है, अनुभूति है और अभिव्यक्ति है। अभी आप लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा वो सब आपकी अनुभूति है, और जो एग्जाम है आपका वो अभिव्यक्ति होगा, क्योंकि उसमें जो प्रश्न आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको अपने को व्यक्त करना है। समझ आ रहा है? क्लियर? तो हम क्या है, और ये दुनिया कहाँ से शुरू हो रही है, ठीक? इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। चलिए आप आइए। आपका नाम क्या हुआ? क्या? गुड्डू कुमार। मेरा भी बचपन का नाम गुड्डू लोग प्यार से गुड्डू कहते। तो ये आप चारों तरफ देखिए, ठीक है, और हम लोग बताइए कि सब कहाँ से शुरू हुआ। नहीं बता सकते। अपने चारों तरफ जितना जहां तक देख रहे हैं ना, सब कुछ देखिए और बताइए कि कहाँ से शुरू हुआ। चलिए आप वहां खड़ा रहिए, देखिए चारों तरफ, ठीक है। आप आइए निकल। आप अपने चारों तरफ देखिए और बताइए कि सब कहां से शुरू हुआ। ये सब चीज कहां से शुरू हुआ? हमारे जीवन से शुरू हुआ। राइट। ये सब कहाँ से शुरू हुआ? हमारे जीवन से शुरू हुआ। आप ये सब जो चीज है ना, ये सब जो कुछ भी दिखाई दे रहा है आपको, ये सब कहाँ से शुरू हुआ? सही है, बैठिए। चलिए अभी बैठिए। एक्चुअली में ये जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं अपने आस पास चारों ओर, ये हमसे शुरू हुआ। किससे शुरू हुआ? हम ही नहीं होते देखने वाले तो ये सब दिखाई देता क्या? हम ही ना देख रहे हैं तो ये सारी चीजें किससे शुरू हुई है? हमसे शुरू हुई है। हम इन सारी चीजों का केंद्र है, सेंटर है। वृत्त बनाते हैं ना सर्किल, तो उसका केंद्र होता है ना। तो ये दुनिया अभी हमारे चारों ओर घूम रही है। ये दुनिया हमारे चारों ओर घूम रही है। हमारे आसपास जो इतने भी लोग हैं, हमारे रिलेटिव, हमारे माता पिता, जो कुछ भी हैं, उन सबका केंद्र कौन है? मैं हूं। ये थोड़ा बहुत ही आसानी से आपको समझ में नहीं आएगा। तो जब मैं केंद्र हूं तो मैं कंट्रोल कर सकता हूं। क्या वो पावर है मुझ में कि मैं कंट्रोल कर सकूं? लेकिन उसके लिए हमें अपनी चेतना को डेवलप करना पड़ेगा। हमें अभी तक जो कुछ भी सिखाया गया है, बताया गया है, सबको एक तरफ रख कर और जीवन को देखना शुरू करना पड़ेगा। जब हम जीवन को देखेंगे तब जाकर हम उस स्थिति में अपने को पहुंचा सकते हैं जहां से हम चीजों को कंट्रोल करना शुरू करते हैं। तो इस तरह की पावर जिसके अंदर आ जाए वो तो कहेगा कि मैं भगवान हूं। क्या यही कहेगा ना? लेकिन नहीं, भगवान नहीं बनना है। क्या बनना है? इंसान बनना है। शक्ति
शैतानों को चाहिए, ठीक है। और अभी तक दुनिया में जितने भी महान लोग आए हैं कभी भी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, और मैं भी नहीं करना चाहता हूँ। ये सबको मैं उस फाइल को ही बंद कर दिया। पहले था एक्चुअली में, आज से कुछ साल पहले बात बात में मतलब प्रदर्शित हो ही जाता था, लेकिन मैं देखा कि इससे लोग मतलब क्या कहें, लोग मुझको तांत्रिक समझने लगे। उनको समझ में आता नहीं था, ठीक है। एक्चुअली में ये सब मेरे ज्ञान की वजह से है, क्योंकि मेरा जो व्यवहार है मेरे ज्ञान से तय होता है, और मैं अपने को संकीर्णता के दायरे में देखता नहीं हूं। मैं जीवन हूं, मैं प्रकृति हूं, ये पूरी जो प्रकृति है वो मुझ में समाहित है, मैं उससे अलग नहीं हूं। तो प्रकृति की सारी शक्तियां किस में है? मुझ में। प्रकृति की सारी शक्तियां किस में है? मुझ में है। लेकिन मुझ में क्या, जब मैं जान लूंगा तब ना, और नहीं जानूंगा तो कुछ भी नहीं है। अगर हम उसका ज्ञान हो जाए हम तो, उसका बोध हो जाए तब ना हम में है, और नहीं जानता हूं तो कुछ नहीं है। ये कैसा लग रहा है आप लोग को, समझ में आ रहा है कि नहीं? चाहिए सर। समझ में आ रहा है? और इस तरह का ज्ञान आपको मिल जाए तो क्या होगा आपके लाइफ में? रोज हमारा विचार झुमका कर ले लिए। और जैसे मैं अपना नाम बताया सुनील मनस्वी, एक्चुअली मैं सारे लोग मुझे मनस्वी के नाम से जानते हैं। मनस्वी, मनस्वी का अर्थ जानते हैं क्या हुआ? हाई कॉन्शियस माइंड। मनस्वी का अर्थ हुआ हाई कॉन्शियस माइंड। हाई कॉन्शियस माइंड का मतलब क्या हुआ? जिसकी दिमागी क्षमता बहुत अधिक। अगर मेरी दिमागी क्षमता अगर अधिक नहीं होती तो इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बता पाता, डिफाइन करता नहीं कर पाता। तो मेरा जो जीवन है मेरे नाम के ही अनुरूप है, और ये नाम मुझे दुनिया का कोई आदमी नहीं दिया। ये मनस्वी जो नाम है ये दुनिया के किसी आदमी ने नहीं दिया है, मेरे माता पिता ने मेरा नाम रखा सुनील, और मनस्वी मैं स्वयं बना हूं। समझ में आ रहा है? Yes. मेरा जो मूल नाम है वो क्या है? सुनील, जिसको मेरे माता पिता ने रखा, और मनस्वी मैं स्वयं बना हूं, मतलब फालतू में टाइटल नहीं रख लिया हूं, ऐसा है। मिटा दे आप फसल मिटे तो आप कोई हंसेगा नहीं। सारे लोग नॉर्मली जो बताऊंगा ना प्रश्न, कल क्या मैं बताया था कि जो प्रश्न आएगा ठीक है उस पर फोकस करना है, तो उस पर फोकस करने के लिए पहले आपको रिलैक्स में जाना होगा। तो इसके लिए तैयार है ना? Yes, अच्छा, इसमें जो भी बच्चे बैठे हैं वो सब एग्जाम देने वाले ही है ना? Yes, सबको एग्जाम देना है? Yes, हमको नहीं देना है सर। फर्स्ट ईयर के भी बच्चे हैं का? जी कुछ होगा, हम थोड़ा सा निकल रहे, कुछ इमरजेंसी हो गया। अच्छा ठीक है। हाँ सुनिए, अरे वो स्टूडेंट है, अब ये बताइए कि जो बच्चे 50 रुपया दे के इस क्लास में आए हैं वो महंगा है कि सस्ता है कि कुछ भी नहीं है?
इस ज्ञान के आगे उस पैसे की कोई वैल्यू है? कितने लोगों को लगता है कि जो हम 50 रुपया दिए हैं वो सच में कुछ भी नहीं है इस ज्ञान के आगे? जरा हाथ उठाए तो। हम तो पैसे नहीं, उनको लग रहा है क्लास महंगा है, वो लोग हाथ उठा सकते सर नहीं समझे। जिनको लग रहा है कि ये क्लास मैंने ज्वाइन किया ये हमको मैंने घाटा लगा, घाटा नहीं लगा सर, घाटा नहीं लगा, घाटा भी लगा क्या? नहीं, तो समझने को फायदे की चीज है। तो मतलब जो लोग आज ज्वाइन नहीं किए सही में उनका कुछ नुकसान होने वाला है या हुआ? हो गया, ठीक है सर। लेकिन हम लोग चाहते नहीं है और चाहते नहीं थे कि किसी का नुकसान हो, हम चाहते थे सारा के सारे लोग पास करें अच्छे नंबर रिजल्ट से। फिर आगे देखिए, एक्चुअली में ज्ञान सुनना पैसे से तो हो ही नहीं सकता, और ये 50 रुपया तो कोई नहीं है, 50 रुपया या 100 रुपया इसलिए रखा गया है ताकि आपको कम से कम इसका वैल्यू पता चले कि मैं कुछ देकर सीखा, ठीक है? आपको ये समझ में आना चाहिए, आपके दिमाग में ये बात जानी चाहिए कि मैं कुछ देकर प्राप्त किया, नहीं तो ये मूल्यहीन हो जाएगा, इसका कोई मूल्य भी रहेगा नहीं। फ्री में कोई हीरा भी दे ना नहीं लेना चाहिए, हीरा नहीं है ये तो पत्थर है, क्योंकि हीरा होता तो ये थोड़ी ना मुझे देता है। तो थोड़ा सा स्पेस लेके बैठिए आप लोग, मतलब बॉडी एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए। और जो लोग भी मुंह बांधे हुए हैं अपना मुंह खोल दे, टोपी निकाल दे, मोबाइल बंद कीजिए, ठीक है? और जो भी मफलर वगैरह है सब टेबल पर रखिए। ना टोपी हम ही निकाल सकते हैं। कोई भी चीज, कोई भी गैजेट हो, ब्लूटूथ हो, सब निकाल के सामने रखो। तो फिर से हम उसी क्रिया को करेंगे लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है? श्वास को लेना है अंदर और श्वास को अंदर खींचना है फिर बाहर छोड़ना है, जैसे कि वो आता है जाता है हमेशा। उसके बाद श्वास को खींचना और छोड़ना नहीं है, सिर्फ उसको महसूस करना है कि वो हमारे अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है, हमारे अंदर। और कहाँ से महसूस करेंगे? मतलब यहाँ यहाँ, ठीक है? पूरा अपना ध्यान जो है यहाँ लगाएंगे, होठ और नाक के बीच में, क्योंकि श्वास यहीं से अंदर जा रहा है और यहीं से बाहर आ रहा है, तो यहीं पे हम समझिए कि खड़े हो जाते हैं। और देखना किसको है, खड़ा हो जाने का मतलब है ना कि पूरी ऊर्जा को यहाँ पे केंद्रित कर देना। दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे तो आने जाने वाला व्यक्ति दिखाई देगा ना? यस सर। नहीं दिखाई देगा? देगा तो। तो यहाँ पे हम पूरा अपने ध्यान को अगर केंद्रित कर लेते हैं तो श्वास दिखेगी ना कि अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, और फिर आपको बहुत ही रिलैक्स महसूस होगा, ब्रेन तुरंत शांत होने लगेगा। और जैसे ही शांत होगा ना, वैसे एक काम करना है, जैसे ही शांत होगा तो अपने जीवन में, अब तक के जीवन में जो सबसे अच्छा टाइम होगा आपका, जिससे आप बहुत इंजॉय किए होंगे, बहुत ज्यादा खुशी महसूस किए होंगे, ऐसी किसी एक घटना को याद करना, ठीक है? ऐसी किसी एक घटना को याद करना है जिससे आपको, मान लीजिए आपके पापा कुछ खरीद के ला दिया कोई मनचाहा चीज, या मम्मी आपको कुछ दे दी, या कहीं से कोई गिफ्ट मिला, या आप किसी भी मतलब फंक्शन में गए हो और वहाँ आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ हो, तो उस चीज को याद करना है। और अगर हंसी आती है, ठीक है, तो मतलब हंस सकते, मुस्कुराना है, हंसना नहीं है, ठीक है? मतलब जोर जोर से नहीं हंसना है, सिर्फ मुस्कुरा सकते हैं।
समझ में आ रहा है? यस सर। अगर इस प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं तो मैं आपको प्रश्न की तरफ ले जाऊंगा। आइए, आप लोग का एग्जाम है, ठीक है? क्या आप जो बोलेंगे क्वेश्चन आएगा एग्जाम? उसी तरह तो ले जा रहा हूँ, उसी तरह मैं आप लोग को ले जा रहा हूँ। आज रोना है इसलिए हाँ। तो अचानक जैसे आप मान लीजिए कभी हिमालय पर चढ़े ही नहीं, ठीक है, या किसी ऊंचाई पर चढ़े ही नहीं, और आपको उठा के ले जाके उस ऊंचे जगह पर रख दिया जाए तो आप तो ऐसे करने लगेगा कि अब गए तब गए। तो अचानक से मैं आपको वहाँ पे कैसे पहुँचा दूँ? थोड़ा सा कुछ स्टेप ले लेके ही तो जाना होगा ना। yes, सीढ़ी बनी हुई है छत पे जाने के लिए, तो हमको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके जाना होगा। yes, एक ही बार यहाँ से कूदेंगे या बीच में गिर जाएंगे तब तो पहुंचना होगा छत पर, पहुंच जाएंगे कहीं और। सबसे ऊपर। समझ में आ रहा है बात? yes, sir. तो आप लोग रिलैक्स हो जाइए, ठीक है? और ये मत सोचिए कि सर मतलब क्या जैसा मैं कर रहा हूँ बस वैसा करते चले जाइए। रिजल्ट अगर आपको अच्छा चाहिए तो yes, आपको इतना चीज दिखा दिया, आपको विश्वास नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है। मतलब अभी मैं जो बता रहा हूँ वो गलत चीज बता रहा हूँ? सही बता रहा हूँ? सक्सेसफुल हो रहा है तो आगे भी सब सही होने वाला है। तो चलिए हाथ को ऐसे ही कीजिए जैसे पहले बैठे हुए थे, पैर को दोनों को सटाइए और हाथ को खुला रखिए और आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए, वीडियो रहने दीजिए, मत बनाइए। हाँ, कुछ सीखिए। आंख बंद कर ले, वीडियो चालू रहा।